ना जाने ऐसी कितने बातें जो कि हम रोज अपने डेली लाइफ में देखते हैं पर अभी भी हम उससे अनजान हैं। कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो हमेशा हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसके सामने होते हैं, हम रोज उसको देखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका मतलब नहीं जानते, हम उससे अभी भी अपरिचित हैं। सो दोस्तों, आज मैं एक और आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ और आज भी मैं आपको कुछ ऐसी फैक्ट से करने वाला हूँ फैक्टिफाई। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सभी ने नोटिस किया होगा कि आखिर गैस सिलेंडर पर एक नंबर लिखा रहता है कि किसी में ए लिखा रहता है, किसी में बी सी डी, कुछ ऐसा अल्फाबेट नंबर इस पे लिखे रहते हैं, और वही उसके बगल में कुछ डिजिट में नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में दिए रहते हैं। किसी में 22 रहते हैं, किसी की वैल्यू 24, किसी की 23 रहती है, ऐसा वर्ड लिखा रहता है। तो दोस्तों, आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर ये ए बी सी डी आखिर ये सिलेंडर पर क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है? और ये जो लास्ट में 22 डिजिट लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर पर जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये एक्सपायरी डेट को बताते हैं, जो कि ये इसमें ए बी सी डी चार वर्ड लिखे रहते हैं, जो कि ये ए बी सी डी ये चार वर्ड एक्सपायरी मंथ को बताते हैं। और वही अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा मंथ है, कैसे कौन सा इसका ईयर है, इसका कैसे पता चला है, उसके लिए ए बी सी डी चार वर्ड दिए रहते हैं, जिसका ए का मतलब है जनवरी से लेकर मार्च, और बी का मतलब है अप्रैल टू जून, सी का मतलब जुलाई टू सितंबर, और डी का मतलब अक्टूबर से दिसंबर। तो ए बी सी डी का तो मतलब समझ में आ गया, कि टू का मतलब क्या है, ये नंबर का मतलब क्या है, नंबर का मतलब तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे। इस गैस सिलेंडर पर जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये एक्सपायरी डेट को बताता है, यानी इसका साल को, ईयर को बताता है, यानी 22 लिखा हुआ है, तो यानी ये 2022 को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये सिलेंडर का एक्सपायरी डेट जनवरी से लेकर मार्च 2022 में है। तो दोस्तों, देखा, ऐसे छोटे छोटे वर्ड भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटे छोटे चीज़ अगर हम नहीं जानेंगे तो बाद में जाकर हमें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।